इटली के रोम में एक लग्जरी क्रूज में सवार लोगों के नीचे उतरने पर रोक लगाने की वजह से करीब 7,000 लोग जहाज में ही फंस गए। स्पेन से इटली पहुंचे इस क्रूज में सवार दो यात्रियों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद इसे बंदरगाह से दूर ही रोक दिया गया और क्रूज में सवार किसी भी यात्री को नीचे नहीं उतरने दिया गया। इस क्रूज में करीब 7,000 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर इटली घूमने आए सैलानी थे, लेकिन हांगकांग के दो सैलानियों के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की खबर मिलने के बाद जहाज को दूर ही रोक दिया गया। Insomma, si aspettassero i risultati delle analisi, perché comunque sono il sindaco di una città e quindi ho il dovere. क्रूज को दूर रोकने के बाद वहां डॉक्टरों की एक खास टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने जहाज पर चढ़कर सभी यात्रियों की जांच शुरू की। इस बीच कोस्ट गार्ड की कई टीमें भी जहाज की निगरानी में जुटी रही। हालांकि वहां के प्रशासन ने जल्द ही सभी सैलानियों की मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें बाहर जाने देने का भरोसा दिया। केरल के एर्नाकुलम में एक मंदिर में थलपोली उत्सव के समय हुई आतिशबाजी की चपेट में आने से 17 लोग घायल हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, सैकड़ों लोग इस आतिशबाजी को देखने के लिए मंदिर पहुंचे थे। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, उसकी चपेट में वहां खड़े कई लोग आए। आतिशबाजी की वजह से पटाखों की चिंगारी लोगों तक पहुंचने लगी। बताया गया कि इस बीच वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मची, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के खर्चे का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी ही शाहीन बाग में हो रहे इस प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही है, लिहाजा इसका खर्चा उसके उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। बीजेपी ने चुनाव के नियमों का हवाला देते हुए आयोग से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शाहीन बाग का धरना और लगातार चुनाव के द्वारा जो ये धरने दिल्ली में चल रहे हैं, इन सब को प्रायोजित करने के पीछे आप पार्टी है। ये आप पार्टी के द्वारा प्रायोजित तरीके से चलाए जा रहे हैं, चुनाव का एक तरीके से अप्रत्यक्ष प्रचार कर रहे हैं, इन सब खर्चों को उसमें जोड़ा जाए। अहमदाबाद में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे निकलने के चक्कर में हुआ, जिसके बाद कार सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच से होते हुए सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। इस टक्कर के बाद कार हवा में उछलकर नीचे गिर गई। ये पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी वीडियो में दिखाया कि कार के पलटने के तुरंत बाद उसमें से ड्राइवर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, जिसकी मदद के लिए मौके पर मौजूद लोग दौड़े। बताया गया कि लोगों ने जैसे ही कार से ड्राइवर को बाहर निकाला, वो वहां से भाग गया। हालांकि पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों और इसराइल के सुरक्षा बल के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लेन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन उनका ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वहाँ तैनात सुरक्षा बल ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। इसराइल के सैनिकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन सुरक्षा बल की सख्ती के बावजूद फिलिस्तीन के लोग पीछे नहीं हटे। लोगों ने जवानों पर पथराव जारी रखा और सड़कों पर जमकर आगजनी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कतर और ओमान के शासकों की तस्वीरें भी जलाई और पीस प्लान में यरूशलम को इसराइल के हवाले किए जाने का विरोध किया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर एक बार फिर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संविधान और शिक्षा में सुधार समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा और अपना विरोध जताने के लिए राजधानी सैंटियागो में जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी लगते ही एक बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस वहां पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछार की, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थमा और उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारी वहां बैंड बाजे के साथ भी प्रदर्शन करते दिखे, जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के खर्चे का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी ही शाहीन बाग में हो रहे इस प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही है, लिहाजा इसका खर्चा उसके उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे में जोड़ा जाए। बीजेपी ने चुनाव के नियमों का हवाला देते हुए आयोग से आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शाहीन बाग का धरना और लगातार चुनाव के द्वारा जो ये धरने दिल्ली में चल रहे हैं, इन सब को प्रायोजित करने के पीछे आप पार्टी है। ये आप पार्टी के द्वारा प्रायोजित तरीके से चलाए जा रहे हैं, चुनाव का एक तरीके से अप्रत्यक्ष प्रचार कर रहे हैं, इन सब खर्चों को उसमें जोड़ा जाए।
निर्भया गैंगरेप केस में दूसरी बार डेथ वारंट जारी होने के बावजूद चारों दोषियों की फांसी टलने का अंदेशा है। 1 फरवरी को चारों दोषियों की फांसी होनी है, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चारों दोषियों के वकीलों ने जेल से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए फांसी पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दाखिल कर दी, जिसमें दलील ये दी गई कि किसी भी दोषी को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि सारे दोषी सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, जिस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। निर्भया केस में दोषी विनय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, जबकि दोषी अक्षय सिंह की भूल सुधार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। हालांकि उसके पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प बचा है। वहीं कानूनी दांव पेच के बीच फांसी देने के लिए पवन जल्लाद तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शादी के समय बारातियों को हेलमेट बांटे गए। दूल्हे के साथ बारात में शामिल कई लोग दुल्हन के घर पहुंचे, जहां दुल्हन के घर वालों ने सभी बारातियों को एक एक हेलमेट दिया। बताया गया कि लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने के मकसद से दुल्हन के घर वालों ने यह तरीका अपनाया। इस बीच बाराती भी काफी खुश नजर आए, सबने हेलमेट पहनकर खूब फोटो भी खिंचवाई, साथ ही दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का भरोसा दिया। जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को आरजेडी ने अपने साथ आने का न्योता दे दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में एक दिन पहले ही जेडीयू ने इन दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने दोनों नेताओं को आरजेडी में आने का न्योता दे दिया। प्रशांत किशोर को इन्होंने इस्तेमाल किया और वर्मा जी को इन्होंने इस्तेमाल करके प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी में शामिल करने के आरजेडी के न्योते पर जेडीयू ने चुटकी ली और इन दोनों नेताओं की तुलना कोरोना वायरस से कर दी। इनको लेना है ले, कोरोना वायरस को अपने पास रखें, अपना नाश करवाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमें कोई मेहनत ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जामिया फायरिंग में घायल हुए छात्र सुनील ने एम्स पहुंचे, जहां इजाजत न होने की वजह से उन्हें घायल छात्र से बिना मिले वापस लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए लड़का लड़की कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मौजूद परिजनों ने लड़का लड़की के नाबालिग होने का दावा करते हुए जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में कार अनियंत्रित होकर चंबल कैनाल नहर में गिर गई, हादसे में 2 लड़कों की नहर में डूबने से मौत हो गई। बिहार के नालंदा में एक बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक ने काफी दूर तक बाइक को घसीटा, जिससे निकली चिंगारी से बाइक और फिर ट्रक में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों गाड़ियां पूरी तरह से जल गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में राजस्व और कृषि विभाग की टीम ने कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद छापा मार कर 200 से ज्यादा बोरी खाद बरामद की। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जामिया में हुई फायरिंग के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल कर विरोध किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी के बीच एक बारात निकली, जिसमें लोग झूमते दिखाई दिए। चमोली में पिछले 2 दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए दूल्हे के साथ बारातियों को भी पैदल ही 4 किलोमीटर का मुश्किल भरा रास्ता तय करना पड़ा। इस दौरान लगातार बर्फबारी भी होती रही, लेकिन किसी भी बाराती का जोश कम नहीं हुआ। सभी छाता लेकर पहाड़ी रास्तों पर एक दूसरे के पीछे चलते रहे, अच्छा एंजॉय हो रहा है। बारात कई मुश्किलों का सामना करते हुए दुल्हन के दरवाजे तक पहुंची, तब जाकर दूल्हा घोड़ी पर बैठ सका। मौसम की मार का बारातियों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बारात में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी सुरंग की खोज निकालने का दावा किया है। सुरंग को अमेरिका और मेक्सिको से लगी सीमा के पास बनाया गया है, जो मेक्सिको के तिकुआना शहर को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो से जोड़ती है। अधिकारियों के मुताबिक 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सुरंग जमीन में करीब 70 फीट नीचे है। बताया यह भी गया कि ये सुरंग 5.5 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी है। इस सुरंग में लिफ्ट, रेलवे ट्रैक, ड्रेनेज सिस्टम, हवा आने जाने की जगह और बिजली के भी पर्याप्त इंतजाम है। इस सुरंग के रास्ते में अधिकारियों ने ड्रग्स की तस्करी का शक जाहिर किया है। हालांकि जांच टीम को अंदर कोई ड्रग्स नहीं मिली और ना ही किसी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कैलिफोर्निया से लगे मैक्सिको सीमा पर 2016 में कई सुरंगें मिली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हाउडी मोदी की तर्ज पर
गेम शो ट्रंप जैसा एक कार्यक्रम होगा और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 1 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम जा सकते हैं। बताया गया कि ट्रंप इसी स्टेडियम में भाषण देंगे जहां भारतीय मूल के कई अमेरिकी नागरिक भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप के इस कार्यक्रम को इस साल के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं। भोपाल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हनुमान चालीसा के जाप का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम कमलनाथ समेत राज्य के कई मंत्री शामिल हुए, जहां हनुमान चालीसा का 25 करोड़ जाप किए गए। भोपाल के मिंटो हॉल में बापू की पुण्यतिथि पर यह खास कार्यक्रम रखा गया था। दुनिया भर की कई देशों में एक साथ हनुमान चालीसा जाप होने का दावा किया गया। 1.5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में कमलनाथ पूरे समय मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भोपाल में हनुमान चालीसा के जो 25 करोड़ जप यहां पर हो रहे हैं, कराने वाले कोई और नहीं, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, और ये उनका व्यक्तिगत आयोजन है। और कमलनाथ का कहना है कि वो हनुमान भक्त हैं, साथ ही वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किए गए इस कार्यक्रम के मंच से कमलनाथ ने अपने विरोधियों को कड़ा संदेश भी दिया। मेरे जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा रही है और मुझे गर्व है कि मैं हनुमान भक्त हूँ। और गांधी जी मेरे आदर्श हैं। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को आरजेडी में शामिल होने का न्योता दिया। एक दिन पहले ही जेडीयू ने पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देने के आरोप में प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर कर दिया था। प्रशांत किशोर आए यहाँ आरजेडी में, उनका वेलकम। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की और सभी दलों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले बयान न देने को कहा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। दरअसल कोलकाता में नागरिकता कानून के समर्थन में दिलीप घोष रैली कर रहे थे, तभी एक लड़की ने सीएए और एनआरसी का विरोध करना शुरू कर दिया। लड़की ने विरोध में प्ले कार्ड दिखाया, जिससे घोष भड़क गए। तो तारा जी हमारे रैली का चेसे थे प्लेकार्ड केड़े नहीं छेड़े दीछे, तादर 14 पुरुषेर भाग्य भालो, आर अन्य किछु करेनी, कारण प्रदर्शन करार जन्य अनेक बाघ पड़े आछे, अनेक सार्कास पड़े आछे। आमादेर कर्मीदेर सामने आसेन केनो, খবর হওয়ার জন্য না শহীদ হওয়ার জন্য? এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক, এটা যেন না করেন আমি বলছি, কারণ আমরা অনেক সহ্য করেছি, এই ছেলে খেলাটা আর সহ্য করব না। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता में प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया। दिलीप घोष ने प्रशासन पर जानबूझकर रैली की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया। तो कोलकाता में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रैली निकाली और वहां पर पुलिस ने रैली को रोका, क्योंकि उन पर बिना इजाजत रैली निकालने का आरोप है। और दिलीप घोष, जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जानबूझकर प्रशासन उनको रैली निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। असम में अलग बोडोलैंड की मांग कर रहे 4 संगठनों के 1600 से ज्यादा लड़ाकों ने अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए और शांति के रास्ते पर चलने का वादा किया। ये लड़ाके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी 4 गुटों के हथियारबंद काडर थे, जिन्होंने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में हथियार डाल दिए और देश की मुख्य धारा में लौटने का ऐलान किया। 1600 से ज्यादा कादर्स एंड लीडर्स ये मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और 178 वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एके सीरीज का ही 70 वेपन्स हैं और हेकलर एंड कोच, LMG, M16 राइफल्स और इस तरफ का हथियार ये लोग हमें दे रहा है। बोडोलैंड समर्थकों ने ये हथियार उस समझौते के तहत सरकार के हवाले किए जो 4 दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट करके इस समझौते को बोडोलैंड के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया और 1500 करोड़ के पैकेज पर काम शुरू होने की जानकारी दी। We have signed an historic accord on 27 January 2020 and today we are laying down our weapons and it is a historic day. वहीं असम सरकार ने इस समझौते को असम में शांति और विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। This peace accord means that there will be total peace in Bodoland.
All the four section of NDAB today laid down their arms, and the most prominent civil society organization of Bodoland, namely APSU and UBPO, has also signed this agreement. यूपी के कासगंज में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय एक वैन में अचानक तेज धमाकों के साथ आग लगी। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी धुंधु कर जल गई। पूरा मामला कासगंज की कोतवाली सड़पुरा क्षेत्र का है, जहां वैन में रसोई गैस के सिलेंडर से गैस रिफिलिंग की जा रही थी, तभी अचानक वैन में आग लगी और तेज धमाका हुआ। हादसे के बाद गैस डालने वाला आदमी वहां से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकारा। आरोप है कि पुलिस कमिश्नर राज्यपाल के भाषण के दौरान अखबार पढ़ रहे। बैरकपुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। खबर है कि जिस वक्त वो मंच पर भाषण दे रहे थे, सामने की लाइन में बैठे पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा अखबार पढ़ रहे थे, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ भड़क गए और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को सबके सामने जमकर फटकारा। इस दौरान पुलिस कमिश्नर चुपचाप खड़े रहे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। राज्यपाल का मानना है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार के इशारे पर अलग अलग जगहों पर जानबूझकर उनका विरोध हो रहा है, और बैरकपुर में जो हुआ वो भी उसी का हिस्सा है। यही वजह है कि उन्होंने इस घटना के बहाने बंगाल में कानून व्यवस्था खस्ता हाल होने का आरोप भी लगाया। वी आर हैविंग टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट्स टोटल लॉलेसनेस, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। लेकिन ममता सरकार के मंत्रियों ने राज्यपाल के गुस्से को गंभीरता से नहीं लिया और इस पूरी घटना को दिखावा माना। He is actually wants a public publicity. I've never seen such a governor who is every day holding three press conferences every day. एक दिन पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का जमकर विरोध हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाना पड़ा था, और उसके अगले ही दिन बैरकपुर का मामला सामने आ गया। हरियाणा के पलवल में गाड़ियों के पुर्जों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियों को लगाया गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। आग की वजह से गोदाम से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग को बुझा लिया, लेकिन आग की वजह से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में गोदाम की छत को भी भारी नुकसान पहुंचा। सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई। भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बाला देवी ने स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रेंजर्स के साथ करार किया। इसी के साथ वो किसी विदेशी क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा बहुत ड्रीम था खेलने के लिए। महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह समेत कई लोगों ने राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त करने का दावा किया। साथ ही आयोग ने बताया कि शाहीन बाग समेत दूसरी जगहों पर हो रहे प्रदर्शनों की वजह से इस बार चुनाव में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार जो प्रोटेस्ट हैं उनको देखते हुए एडिशनल फोर्स की जरूरत है और एडिशनल फोर्स प्रदान की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के दावों पर सवाल खड़े किए। वीडियो में सीएम केजरीवाल के अलग अलग बयानों को दिखाकर आम आदमी पार्टी के दावों को झूठा बताने की कोशिश की। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खराब होने का दावा किया। नड्डा ने दिल्ली सरकार पर राज्य की जनता को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना से भी दूर करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता बचने की कोशिश करते दिखे। आज जो स्वास्थ्य के मुद्दे पर आरोप लगाया जा रहा है उसका भी जवाब देंगे, उसका भी जवाब देंगे। जो दो फर्जी वीडियो डाला उसके लिए भाजपाइयों ने माफी मांगी। दिल्ली में एक रैली के समय राजनाथ सिंह ने अन्ना हजारे के बहाने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अन्ना हजारे के मना करने के बावजूद इन्होंने आप नई पार्टी बनाई और आज ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बहनों भाइयों, जो व्यक्ति अपने अन्ना हजारे का नहीं हो पाया वह आपका कैसे होगा।
बिहार में मरे हुए लोगों को भी सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक चिट्ठी के जरिए इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से बिहार के सभी जिलाधिकारी को जारी किए गए पत्र में आगाह किया गया है कि बिहार में मुर्दे भी पेंशन उठा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां पेंशनधारियों की मौत के बाद भी उनके खाते में पेंशन के पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। निदेशालय ने इसे वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी मरे हुए लोगों के नाम समाज कल्याण विभाग की लिस्ट से हटाए जाए ताकि सरकारी राशि का दुरुपयोग ना हो पाए। अपने आप में ये जांच का विषय है कि कैसे इतना बड़ा मैंने सरकार के स्तर पर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी भूल, मरने के बाद भी पेंशन जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं ये तो जांच का विषय है और कहां पर किस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है यह जांच से ही स्पष्ट क्लियर पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि मिलीभगत है ऊपर से लेकर नीचे तक, तभी तो ये इतने मरने के बाद भी लोगों के खाता में पैसा जा रहा है। सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो कई घोटाले अगर जांच हो जाएगा जो उसी सरकार आएगी तो कई घोटाले में माननीय नीतीश कुमार की सरकार फंस जाएगी। 38 घोटाले ही हुए हैं अभी कितने घोटाले होने बाकी है, जांच होगा तो कितने घोटाले निकलेंगे। धन्यवाद है आपको, न्यूज 18 को धन्यवाद है। अगर ऐसी कोई बात है और आपने उजागर किया है तो निश्चित रूप से इसे देख के इस पे कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से जो भी गड़बड़ी होगी और किसके संलिप्तता के आधार पर यह गड़बड़ी हो रही है उसे भी उजागर करके हम ठीक करेंगे और संलिप्त लोगों को जो सजा के हकदार होंगे उन्हें सजा मिलेगी। रूस ने चीन से लगी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। रूस ने कोरोना वायरस फैलने के खतरे की वजह से चीन से लगी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली के पटपड़गंज समेत दूसरी जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। हम बहुत बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने धोनी की गाड़ी रुकवाकर सेल्फी लेने की भी कोशिश की लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। रणजी ट्रॉफी के अपने अपने मुकाबलों में महाराष्ट्र और गुजरात ने जीत हासिल कर ली। जामिया में कल प्रदर्शन के समय एक लड़के के फायरिंग करने के विरोध में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन के चलते कल देर रात तक आईटीओ पर लंबा जैम लगा रहा। विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी देर रात तक पुलिस के आला अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहे थे। जामिया फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं। कल जो घटना हुई है वहां पर एक शख्स ने फायरिंग की थी, इसके बाद लोगों का गुस्सा अब पुलिस के खिलाफ है। और आपको बता दें कल से पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है और पुलिस की यहां पर मुस्तैदी है। पुलिस लोगों को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस मुख्यालय के सामने ये लगातार रात भर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। और कल इस फायरिंग में एक छात्र घायल भी हुआ था जिसको गोली लगी थी। और यहां पर छात्र पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, इतनी मुस्तैदी थी, पहले से ही प्रदर्शन की जानकारी थी। जो मार्च निकाला जा रहा था राजघाट तक, उसके बावजूद वहां पर एक शख्स पहुंचता है। और अब ये देखिए सीधी तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है इस मामले को लेकर के। और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर इस महिला को हटाने की कोशिश, और बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बल ने वहां पर घेर लिया है। ये देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है ताकि प्रदर्शनकारी अंदर ना घुस पाए। और ये देखिए जबरदस्ती लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि यहां पर छात्र हैं, लोग हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। सीधी तस्वीरें इस वक्त पुलिस मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कल दोपहर में जो घटना हुई थी और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है क्योंकि छात्र मानने को तैयार नहीं है। और इनकी मांग यही है कि कल की घटना को लेकर के जिसमें जामिया का एक छात्र भी घायल हुआ था, फायरिंग में एक शख्स पहुंचता है मार्च में, गोली चलाता है और वो तस्वीरें हमने देखी थी। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये छोटे बच्चे भी इसमें हैं और पुलिस इनको गाड़ी में बिठा कर ले जा रही है क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि वो पुलिस मुख्यालय के अंदर घुसे, पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, जबरदस्ती लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा है, बड़ी बात यह है कि इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, सुबह अचानक जो है कुछ महिलाएं यहाँ पर आ गई थी और प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर जिस तरह से रास्ते बैरिकेड किया गया था, इस एक रूट को बंद किया गया है और पुलिस को पता है कि कुछ देर बाद यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी और उसके बाद ट्रैफिक को संभालना दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोशिश यही की जा रही थी कि समझा बुझा के सबको हटाया जाए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था और यही वजह थी कि लगातार जो प्रोटेस्ट करने वाली महिलाएं हैं उनसे बात की जा रही थी, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था कि वो यहाँ से नहीं जाएंगी जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। और इसी वजह से अब पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको हटाकर यहाँ से गाड़ी में दूसरी जगह ले आया जाए। बिल्कुल, अब दीपक लगातार कल से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हम तस्वीरें लगातार देखिए, ये देखिए छोटे बच्चे, स्कूली बस्ता भी है और पुलिस वाले जबरदस्ती उनको पकड़ रहे हैं, गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये दीपक जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, स्कूली बच्चे भी हैं, बैग उन्होंने पीछे टांगा हुआ है और अब पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग हो रही है। पुलिस की भूमिका पर ये प्रदर्शनकारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जिस वक्त से बीती रात से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था, पुलिस की कहीं ना कहीं जो समझाना चाहते थे जो नेतृत्व करने वाले नेता थे वो लीडरशिप यहाँ पर नहीं दिखाई दिया और जिसकी वजह से पुलिस समझाने में नाकामयाब रही और ये प्रोटेस्ट सुबह तक लगातार जारी था। सुबह कुछ महिलाएं यहाँ पर रुकी और उसके बाद महिलाओं की तादाद यहाँ पर बढ़ने लगी, लोग यहाँ पर जुटने शुरू हुए तो पुलिस को समझ में आ गया कि अब यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर हो गया तो काफी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आईटीओ एक वैश्रम चौराया है और उसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस काफी सजग दिख रही थी और यही वजह थी कि ये जब नहीं समझते थे तो उसके बाद पुलिस को यहाँ पर से इनको हटाने की कवायद करनी पड़ रही है। हालांकि विरोध लगातार पुलिस का यहाँ पर किया जा रहा है कि पुलिस जब उन्हें यहाँ से हटा रही है, उनका राइट है फोकस करता, लेकिन जिस तरह से सड़क को घेर कर यहाँ पर किया जा रहा था तो पुलिस का कहना है कि सड़क को बिल्कुल भी घेर कर उस पर कब्जा कर यहाँ पर किस तरह का प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर अब हम पुलिस की मुस्तैदी देख रहे हैं, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि जब पहले से मार्च तय था कि वो राजघाट तक जाएगा, इतनी पुलिस फोर्स मौजूद थी, उसके बीच में एक शख्स आता है, अचानक से फायरिंग करता है, एक जामिया का छात्र उसमें घायल होता है, तो क्या पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ बोल रहे हैं? देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन बसें यहाँ पर जरूर है क्योंकि बसों को लिया लेकर इसलिए आया जा रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए बस में भर के ले जाया जा रहा है और लोगों का आरोप है कि अब विरोध करना उनका राइट है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ऐसे आप सड़क को घेर कर नहीं खड़े हो सकते हैं और ये आप बाधा डाल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए पुलिस मुख्यालय के बाहर से जहां पर बैरिकेडिंग की गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और लोगों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लगातार कल से हम देख रहे हैं, दोपहर के बाद से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, कल से इस बड़ी खबर पर उनकी नजर है। दीपक, अब पुलिस के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहले से ही शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस उस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर लाया गया है और बसों को लाने की कवायद इसलिए क्योंकि जो प्रदर्शनकारी उनको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि अचानक ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुड़ गए थे और एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर करने की इनकी मंशा थी, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर से इनको प्यार से समझाया जाए लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद अब इन सभी प्रोटेस्टर्स जो महिलाएं हैं उनको गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही है कि इनको बिठाकर यहाँ से दूसरी जगह ले आया जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये सब जो प्रोसेस चल रहा है फिलहाल पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल दीपक, हम दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देखिए कि महिलाओं ने यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और लगातार ये महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, लेकिन दीपक जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, पुलिस जबरदस्ती महिलाओं को गाड़ी में बिठा रही है, प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा है ताकि वहां पर माहौल खराब ना हो, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है और पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लेडीज़ों को भी मारा है, स्केचेस आई हुई हाथों में, नोचा गया है, बाल खींच खींच के बस में झुलाया गया, उनका गला दबाया गया है, यहाँ पर जो पुलिस है उनको यहाँ से पुलिस ने जो है वो हटा लिया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लोगों को आप सुन रहे थे, पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक शख्स कह रहा है कि पुलिस ने गला दबाने की कोशिश की है, एक ने कहा कि उसके हाथ में मारा गया है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक इतने गंभीर आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने गला दबाने की कोशिश की है।
चलिए हम दीपक से फिर से संपर्क साधेंगे। दो तस्वीर आपके सामने हैं। पुलिस मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं को आप देख सकते हैं जो नारेबाजी कर रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। और ये पुलिस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें जहां पर ट्रैफिक भी है, और पुलिस की कोशिश यही है कि वहां पर माहौल खराब ना हो। पहले से ही वहां पर फोर्स मौजूद है और जो भीड़ है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कुछ लोगों को इस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा था, और देर रात क्योंकि लगातार जो गोलीकांड कल हुआ है एक दिन पहले ही गुरुवार की दोपहर को जामिया इलाके में, उसके बाद ये प्रदर्शन यहाँ पर था कि उस गोलीकांड के दोषियों को सजा दी जाए। और जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस का यहाँ पर देखा जा सकता है। और पुलिस ने सुबह से अचानक जो है भीड़ बढ़ने लगी थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सजग हो गई थी। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो जाम है, ये इस रूट का जो जाम आपको दिखाई जा रहा है, क्योंकि पीक आवर का समय है और पुलिस कोशिश कर रही थी कि इस प्रोटेस्ट को तुरंत खुलवा जाए, क्योंकि काफी महिलाएं यहां पर शुरू हो चुकी थी आना। और उसके बाद यहां पर इन सभी को यहां से हटा दिया गया है। कैमरामैन नारायण के साथ दीपक मिश्र, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तुम्हारे सहयोगी दीपक मिश्र की आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, और ये तस्वीरें आप देखिए पुलिस मुख्यालय से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। प्रदर्शनकारी जो कि मानने को तैयार नहीं थे, ये लोग पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो कल जामिया में घटना घटी उसमें एक प्रदर्शनकारी मार्च में पहुंचता है, बंदूक लेकर पहुंचता है, फायरिंग भी करता है, और हमने वो तस्वीरें भी कल देखी थी जब भारी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी और उसके बाद वहां पर गोली चलती है, जामिया का छात्र घायल होता है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब पुलिस जबरदस्ती लोगों को गाड़ी में बिठाकर ले गई, और लगातार प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। उनके गंभीर आरोप हैं पुलिस पर कि कल पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस को पहले से जानकारी थी कि वहां पर राजघाट तक मार्च जाएगा, इतनी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर थी, उसके बावजूद एक शख्स घुसता है, क्या उसका मकसद था वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो मार्च का हिस्सा था या फिर वो किसी मंशा से बीच में घुसा था। ये जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस वाले महिलाओं को गाड़ी में बिठा रहे हैं। कल से यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जामिया नगर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ निकाले जा रहे मार्च में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई, वहां तनाव पैदा हो गया। इस घटना में जामिया का एक छात्र भी घायल हो गया जो मार्च के दौरान आगे चल रहा था। बाकी प्रदर्शनकारी भी होली फैमिली अस्पताल से थोड़ी दूर थे। तय हुआ था कि मार्च जामिया से राजघाट तक निकाला जाएगा, लेकिन तभी एक लड़का प्रदर्शन के बीच घुस आया और मार्च निकाल रहे लोगों पर उसने पिस्तौल तान दी। उसके पीछे 30 से 40 पुलिस वाले खड़े थे और सामने से प्रदर्शनकारी आ रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने गोली चला दी। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? गोली हवा में नहीं चलाई गई, गोली भीड़ पर चली, क्योंकि पिस्तौल का मुंह उसी तरफ था। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। गोली फायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है यार। ये साफ नहीं हो पाया कि वो लड़का पहले से प्रदर्शन में शामिल था या नहीं। हालांकि उसके जितने भी वीडियो सामने आए उनमें वो प्रदर्शनकारियों से कुछ ही दूरी पर नजर आया। इनमें एक वीडियो में तो उसे नारे लगाते हुए भी सुना गया। ये सभी वीडियो सही हैं या गलत, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लगी उसको गोली लगी उसको। गोली चलने के बाद पुलिस वालों ने भी आरोपी को दबोचकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। इसी दौरान वहां चीख पुकार मचने लगी, क्योंकि फायरिंग में जामिया का एक छात्र घायल हो गया। शुरुआती जांच में बताया गया कि गोली उसके बाएं हाथ को छूते हुए निकली, जिसके बाद उसके हाथ से खून बहने लगा और वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। गोली लगी घटना होली फैमिली अस्पताल के करीब हुई, इसलिए बिना देरी किए उसे वहां ले जाया गया। न्यूज 18 की टीम वहीं मौजूद थी और सबसे पहले घायल छात्र से बात की। एक लड़का गोली मारी, कह रहे हो आप? किसने गोली मारी? अरे भाई वो बड़ा टीका सा था, वो बंदूक चलाते हुए आया और मार दिया। हाँ, एक शख्स देखिए घायल हुआ है, एक लड़का यहाँ पर इसके हाथ में, ये बता रहे हैं कि कुछ चोट लगी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि साजिश के तहत आरोपी वहां पहुंचा, जबकि कुछ लोगों की दलील है कि वो अचानक वहां आ गया। हालांकि पुलिस ने इन दोनों दावों में से किसी की भी पुष्टि नहीं की। वो इधर से आया है जम करके, सामने उसने कट्टा ताना है और बोला है कि आओ तुम्हें मैं आजादी देता हूं। और जब लोगों ने कहा कि मीडिया कर्मी भी थे जो बहुत लोगों ने उस कैप्चर को किया है, उसने फिर बैग हटा थोड़ी सी, जब तक पुलिस इधर से आती उतने में वो एकदम सामने, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एकदम सामने उसने फायर किया। और
जामिया में हुई घटना के जितने भी वीडियो सामने आए उनमें आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर भी कोई कपड़ा नहीं था। ऐसा उसने जानबूझकर किया या उसका कोई और मकसद था, पुलिस इसके बारे में भी पता लगाने में जुटी है। इस मामले की शुरुआती जांच में आरोपी से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी सामने आई। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग है और वो ग्रेटर नोएडा के जेवर का रहने वाला है। यही नहीं, पुलिस ने उसके फेसबुक अकाउंट के बारे में भी अहम जानकारी दी। बताया गया कि गोली चलाने से पहले आरोपी ने कई बार फेसबुक लाइव किया। इसके अलावा दावा है कि उसने गोली चलाने से कुछ ही मिनटों पहले फेसबुक पर कई विवादास्पद पोस्ट लिखी थी। इस पूरे मामले में आरोपी की पहचान सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले लिया। जब उनको लग रहा है हर हाल में हारेंगे तो अब दिल्ली का चुनाव टालने की दृष्टि से ये गृह मंत्री अमित शाह ने गहरी साजिश रची है। आम आदमी पार्टी के हमले के बाद जामिया की घटना दिल्ली चुनाव में बहस का मुद्दा बन गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इसमें पीछे नहीं रहीं। उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम से इस घटना पर तीखे सवाल पूछे। हालांकि विरोध बढ़ता देख बीजेपी ने इस पूरी घटना पर अपना रुख साफ किया। इसने डिटेन किया, पुलिस पता लगाएगी और ये सब कुछ जो नाटक है वो चल रहा है, क्योंकि आप किस मुंह से उठेंगे वो नहीं समझ आ रहा, वो बहाना ढूंढ रहे हैं उठने का। वहीं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ट्विटर पर आमने सामने आ गए। अमित शाह ने जामिया की घटना की निंदा की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं अमित शाह के इस ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने दिल्ली के हालात पर चिंता जताई और केंद्र सरकार को दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के समय सबसे ज्यादा मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब तक 19 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 17 मामले डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी रोक के बावजूद बैनर पोस्टर लगाने पर दर्ज हुए हैं, जबकि 2 केस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर दर्ज किया गया है। कांग्रेस के खिलाफ अभी तक 7 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ अब तक सिर्फ 4 केस ही दर्ज हुए हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत 303 केस दर्ज हुए और 330 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 17 FIRs अंडर DPDP एक्ट अगेंस्ट आम आदमी पार्टी एंड 2 FIRs फॉर वायलेशन ऑफ NCC, सो टोटल 19। अगेंस्ट बीजेपी 3 FIRs फॉर DP अंडर DPDP दैट मीन डिफेसमेंट एंड 1 फॉर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड, सो टोटल 4। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से परेशान लोग चंदा इकट्ठा कर बंद सड़कों को खोलने में जुट गए। बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके की सड़कें बंद हो गई। जिनको खोलने के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और जमीन खोदने वाली मशीन बुलाकर सड़क से बर्फ हटाने लगे। पूरे इलाके में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाली सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि मशीन की मदद से सड़क खोलने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इलाके में जहां तक नजर गई बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। पहाड़ों के साथ कई पेड़ और सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढक गईं, जबकि कुछ जगहों पर लोग खुद ही सड़क से बर्फ हटाने में जुट गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने से पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही बंद हो गई और लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर जो बयान दिया उस पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 7 मार्च को अयोध्या जाएंगे और उनके इसी दौरे पर अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी का बयान आया था। 3 दिन पहले मुंबई में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन में फरहान आजमी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। इस दौरान वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण की हिमायत करने वाले उद्धव ठाकरे को खुली चेतावनी दे दी थी। इसको धमकी जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ये कहेंगे कि मैं 7 मार्च को अयोध्या जाने वाला हूं, तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ और हम लोग साथ जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा कि वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। फरहान आजमी ने भले ही उद्धव ठाकरे के बारे में बोलते हुए ये बयान दिया, लेकिन बात राम मंदिर की थी, लिहाजा बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया। मुझे लगता है कि अबू आजमी के जो सुपुत्र हैं उनके अंदर बाबर की आत्मा जो है समाहित है और वो बाबर की आत्मा बुलवा रही है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान राम के मंदिर के अतिरिक्त वहां पर कुछ भी निर्माण कर सके। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है।
यही वजह है कि फरहान आजमी के उद्धव ठाकरे के खिलाफ आग उगलते ही गठबंधन के अंदर खलबली मच गई और शिवसेना ने उनको संभल कर बोलने की नसीहत दी। सभी नेताओं को इसका ख्याल रखना चाहिए और अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहां तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला है वो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम है। विवाद बढ़ा तो अबू आजमी खुद सामने आए और अपने बेटे के बयान से खुद को और समाजवादी पार्टी को अलग कर लिया। मैं बिल्कुल से कंडम करता हूं, ये उनका अपना स्टेटमेंट है, समाजवादी पार्टी को लेना देना नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शन कर रहे दमकल कर्मियों की पुलिस से झड़प हो गई। दमकल विभाग के ये कर्मचारी वेतन बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। वहां की एक सड़क पर जब प्रदर्शनकारी जमा हुए तो उन्हें पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भागने के बजाय पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने डंडों से उन्हें पीटना शुरू किया तो हेलमेट लगाए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने लात और घूंसों से उन पर वार किया। थोड़ी देर के लिए पूरा इलाका लड़ाई के मैदान में बदल गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस की कार्रवाई के बाद वहां के हालात और बिगड़ गए। वो प्रदर्शनकारी जो वहां की दूसरी सड़कों पर रैली निकाल रहे थे वो उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लोगों ने पटाखों से भी पुलिस पर हमला किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार भी की। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कई दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुड़की में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस फैक्ट्री में गद्दे बनाए जाते थे, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैली और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने अपने तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीषण लपटों के सामने वो नाकाम रहे। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस बीच इलाके के लोग भी उनकी मदद करते नजर आए। हालांकि काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आतंकी कहने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। इसकी शिकायत आम आदमी पार्टी ने आयोग से की थी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल को आतंकी कह दिया था, जिसकी शिकायत करने आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। शुरुआत में पार्टी नेताओं को चुनाव आयोग की तरफ से समय नहीं मिला, जिससे नाराज होकर वो चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ गए और केजरीवाल को आतंकी कहने के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इन लोगों ने तख्तियों पर यह बात लिखकर चुनाव आयोग तक पहुंचाने की कोशिश की। इस बीच वहां पुलिस आ गई और प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने की बात कहकर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद संजय सिंह समेत तीन नेताओं को छोड़कर बाकी सभी को वहां से हटना पड़ा। संजय सिंह जी, पुलिस आपको यहां से हटने के लिए कह रही है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह का प्रदर्शन अलाउ नहीं है यहां। भाई, यहां ऑफिस के बाहर मैं दिल्ली का सांसद हूं, यहां बैठ के इंतजार नहीं कर सकता ऐसे मामले में जिसमें केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर मिलने का समय नहीं देने का आरोप भी लगाया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर मिल नहीं सकता चुनाव आयोग से, आतंकवादी कहा गया है केजरीवाल जी को, किससे शिकायत करने जाएं? हालांकि बाद में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन्हें अंदर बुला लिया और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आतंकवादी बताने वाले बयान पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किए गए काम का जिक्र किया। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब खुद को आतंकवादी कहे जाने पर केजरीवाल भावुक हो गए और आखिरी फैसला दिल्ली के लोगों पर छोड़ दिया। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के जिस बयान पर आम आदमी पार्टी इतनी आक्रामक हो गई है वो उन्होंने पिछले हफ्ते मादीपुर की एक रैली में दिया था। कि किसी हिंदू लड़की को कोई मुसलमान उठा कर ले गया मगर कोई उसका बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए थे। चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से बीजेपी नेता भी बैकफुट पर आ गए, लेकिन अब भी वो घुमा फिराकर केजरीवाल पर उसी अंदाज में निशाना साध रहे हैं। ये उनका बयान होगा, लेकिन मेरा ये मानना है वो दिल्ली को जलाने वालों के साथ खड़े हैं। दिल्ली चुनाव में विवादास्पद बयानों के मामले में चुनाव आयोग पहले से ही सख्त है। पहले ही आपत्तिजनक बयानों के कारण चुनाव आयोग प्रवेश वर्मा को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर चुका है।
यही नहीं, उनके प्रचार करने पर भी चुनाव आयोग ने 4 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। जाहिर है अब आतंकवादी वाले इस बयान के कारण प्रवेश वर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि आतंकवादी वाले बयान पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और इसीलिए सीएम समेत पार्टी के तमाम नेता इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने दे रहे। हालांकि विवादास्पद बयान देने के मामले में प्रवेश वर्मा पर लगातार दूसरे दिन कार्रवाई हुई है और चुनाव आयोग ने उनके दिल्ली में प्रचार करने पर 96 घंटे यानी कि 4 दिन की रोक लगाई है। 1 दिन पहले उन्हें बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी बाहर किया जा चुका है। इसके अलावा विवादास्पद नारे लगवाने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार करने पर भी 72 घंटे यानी कि 3 दिन की रोक लगी है। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा दोनों को एक ही दिन चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना था और चुनाव आयोग की तरफ से मिला समय पूरा होने के बाद दोनों नेताओं पर एक और कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से अगले कुछ दिन तक दोनों नेता सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर भी बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। यूपी के कासगंज में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय एक वैन में अचानक तेज धमाकों के साथ आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी धुंधुं कर जल गई। पूरा मामला कासगंज की कोतवाली सिड़पुरा क्षेत्र का है, जहां वैन में रसोई गैस के सिलेंडर से गैस रिफिलिंग की जा रही थी, तभी अचानक वैन में आग लगी और एक तेज धमाका हुआ। वहीं हादसे के बाद गैस डालने वाला आदमी वहां से फरार हो गया। फिलीपींस के एक शहर में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना रिहायशी इलाके में एक चौराहे पर हुई, जहां रेड लाइट सिग्नल ना होने की वजह से पहले मिनी ट्रक रुका और उसके सामने से आ रही सफेद कार धीमी रफ्तार में वहां से गुजर गई। कार के गुजरते ही मिनी ट्रक के ड्राइवर ने भी गाड़ी रफ्तार में आगे बढ़ाई, लेकिन तभी दाहिनी ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक उससे भिड़ गई। बाइक में एक महिला और एक आदमी सवार था। टक्कर लगते ही दोनों गिर पड़े, लेकिन आदमी तुरंत खड़ा भी हो गया। उसने मिनी ट्रक के ड्राइवर को संभलकर गाड़ी चलाने की नसीहत दी और फिर सड़क पर गिरी महिला का हाल जाना। इस टक्कर में महिला मामूली रूप से घायल हुई। मुंबई में एक एसी लोकल ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत रेल राज्य मंत्री पर भड़क गए। पनवेल से थाने के बीच चलने वाली इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए रेलवे की ओर से शिवसेना सांसद को भी बुलाया गया था, लेकिन मंच पर लगे बड़े से बैनर में अपना नाम नहीं होने पर उन्हें गुस्सा आ गया। हालांकि ट्रेन के उद्घाटन होने तक वो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें मंच पर बोलने का मौका मिला उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी। उन्होंने अपने साथ कई और सांसदों के नाम नहीं होने पर भी रेल राज्य मंत्री को खूब सुनाया। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि यह अवमानित किया जाता है, ये अच्छा नहीं लग रहा है और जो कोई कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते। अरविंद सावंत यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर रेलवे ने ये गलती किसी दूसरे राज्य में की होती तो हंगामा खड़ा हो जाता। जो तरीका है ये तरीका सिर्फ मुंबई में है, बाहर इनकी हिम्मत भी नहीं होगी। यूपी में करेंगे, सांसद जी ने नहीं देगा बिल। इसके बाद रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने रेलवे की गलती मानकर अरविंद सावंत की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। मैं आज जिसका जिसका नाम इधर नहीं है ये एरिया में, उसके लिए रेलवे मंत्री की वजह से मैं आप लोगों का क्षमा चाहता हूँ, इसके आगे वो नहीं होने जाएंगे। पटना के कंकड़बाग इलाके में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि सड़क हादसे के कुछ ही देर बाद वहां भीड़ जुट गई। इसके बाद कई बसों और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने हवाई फायरिंग की। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। फायरिंग कर रहा मेरे पे, जल्दी करने पीछे बैठा, फायरिंग कर रहा मेरे पे। पटना में सड़क दुर्घटना के बाद आज एक बार फिर से बवाल हुआ है और देखिए नाराज भीड़ ने किस कदर गाड़ियों को अपना निशाना बनाया है। एक बस में आग लगा दी गई है, पूरी तरह से धू-धू कर ये बस जल गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। भीड़ ने कई बसों और ट्रकों को फूंक दिया। इसके अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया है कि बाइक सवार की मौत एक ट्रक के नीचे आने से हुई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। हैदराबाद में शादी के लिए इस्लाम कबूल करने वाले लड़के ने मानवाधिकार आयोग से मदद मांगी। हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी के लिए इस्लाम कबूल करने वाले एक 26 साल के लड़के ने मानवाधिकार आयोग से मदद मांगी है। लड़के के मुताबिक लड़की के परिवार के कहने पर उसने इस्लाम कबूला, लेकिन अब लड़की का परिवार शादी से इनकार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक फैक्ट्री में मशीन की चपेट में आकर एक आदमी की मौत हो गई। झारखंड के रांची में कार में हथियार लेकर घूम रहे 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को दून अस्पताल से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। राजस्थान के चुरू में एक भीषण सड़क हादसे में वैन सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग घायल हो गए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा, जहां भारत पहले ही टी20 सीरीज पर अपना कब्जा जमा चुका है। मध्य प्रदेश के सिवनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दंगल में हरियाणा की पहलवान को हराकर ईरान की पहलवान ने खिताब अपने नाम कर लिया। अलीबाबा के सह संस्थापक और चीन के सबसे अमीर शख्स जैक मा ने कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए 103 करोड़ दान करने की घोषणा की। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाथुराम गोडसे की विचारधारा को एक बता दिया, जिस पर विवाद हो गया। वायनाड में राहुल संविधान बचाओ रैली निकालने पहुंचे थे, जहां उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री में गोडसे की विचारधारा में आस्था होने के बावजूद उसे कबूल करने की हिम्मत नहीं। नाथुराम गोडसे, नरेंद्र मोदी, they believe in the same ideology. रैली से पहले राहुल गांधी ने नागरिकता कानून के विरोध में पदयात्रा भी की, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा से जिस तरह प्रधानमंत्री को जोड़ा, उससे बीजेपी तिलमिला गई। आज आप किसके साथ खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी यदि किसी के साथ खड़ी है, वो शर्जील इमाम के साथ खड़ी है जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जाकिर नायक के साथ खड़ी है, हाफिज सईद के साथ खड़ी है, बुरहान वानी के साथ खड़ी है, शाहीन बाग के साथ खड़ी है। इन सभी में किसी को भी निंदा नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक महिला ने एक आदमी के बीच सड़क पर चप्पलों से जमकर पिटाई की। आरोप है कि उस आदमी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और महिला ने उसे चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वहां काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन महिला सबके सामने आरोपी पर चप्पल बरसाती रही। इस बीच वहां ट्रैफिक पुलिस का एक जवान खड़ा नजर आया, लेकिन उसने भी आरोपी को भीड़ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपी को भीड़ के कब्जे से छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया, जिसके बाद उसे थाने ले जाया गया, जहां महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग ने पर्थ के पास वायुसेना के एक ठिकाने को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से पूरा एयरबेस और रनवे धुएं से गिर गया, जबकि आग की लपटों और घने धुएं के बीच एक विमान भी एयरपोर्ट पर खड़ा दिखा। दमकल विभाग के कर्मचारी एयरपोर्ट में रनवे के पास लगी आग को बुझाने की कोशिश करने पहुंच गए, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैल गई थी कि उसे काबू करने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से से भी आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। आग की चपेट में आकर वहां मौजूद कई पेड़ भी जल गए। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इस आग को काबू करने की कोशिश करते दिखे। खतरे की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके को भी खाली करवा लिया गया। पूरी दुनिया में जिन 10 शहरों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, उनमें भारत के 4 शहर हैं। लोकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हॉलैंड की कंपनी टॉमटॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक के मामले में बेंगलुरु दुनिया का सबसे खराब शहर है, जहां 2019 में व्यस्त समय में गाड़ी चलाने वाले लोगों ने 243 घंटे यानी 10 दिन और 3 घंटे जितना वक्त ट्रैफिक जैम में बिताया। इस रिपोर्ट में मुंबई चौथे नंबर पर है, जहां पिछले साल लोग 209 घंटे यानी 8 दिन और 17 घंटे जितना समय ट्रैफिक में फंसे रहे। इस लिस्ट में पुणे को 5वें नंबर पर रखा गया, जहां लोगों ने 193 घंटे यानी 8 दिन 1 घंटा जितना वक्त ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा उनको। इस सूची में 8वें नंबर पर दिल्ली है, जहां लोगों ने पिछले साल 7 दिन 22 घंटे जितना समय जैम में फंसकर सड़क पर बिताया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में जामिया के छात्रों ने राजघाट तक मार्च निकालने की कोशिश की। चूंकि पुलिस ने मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए सभी प्रदर्शनकारियों को कुछ ही दूर जाने के बाद रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, वो नहीं माने तो पुलिस के कुछ अधिकारी उन्हें समझाने के लिए आगे आए। हालांकि इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। आपका एग्जांपल दे रहे हैं सब जगह। हाँ, एग्जांपल दिया जा रहा है, लेकिन सर हमारे राजघाट जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? चलो हम बोल रहे हैं ना, जाएंगे। अरे यार, तुम जाने नहीं देंगे। प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की। जो यहाँ पर छात्रा है वो पूरी तरह से ह्यूमन चेन बनाकर इस एक पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज वे में आगे लेकर बढ़ रही है, ताकि यहाँ पर इसमें अव्यवस्था ना फैले। और देखिए आगे लगातार नारेबाजी होते हुए अपने लॉन्ग मार्च को बढ़ा रहे हैं। पुलिस की सख्ती की वजह से प्रदर्शनकारी राजघाट तक मार्च नहीं निकाल पाए, इससे उनका गुस्सा फूट पड़ा।
प्रोटेस्ट के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती सर, प्रोटेस्ट हमारा हक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमने पढ़ाई। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाया, हम देखेंगे। पुलिस ने भले ही प्रदर्शनकारियों को राजघाट की तरफ बढ़ने से रोक दिया, लेकिन जामिया के कई छात्रों ने इसके विरोध में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर गाड़ियों में बिठा दिया। जिन छात्रों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया, हालांकि बाद में इन छात्रों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त भी बढ़ा दिए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी की गई। पुलिस के मुताबिक हिंसा की आशंका को देखते हुए उसने जामिया नगर और उसके आसपास के इलाकों में कुछ रास्तों को भी फिलहाल बंद कर दिया, जिन्हें हालात ठीक होने पर खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में करीब 11 घंटे चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार पुलिस ने बंधक बनाए गए सभी 23 बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। इस बीच एनकाउंटर में आरोपी सुभाष की मौत हो गई। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हुए हैं। आरोपी सुभाष बाथम के घर से राइफल और तमंचे बरामद हुए हैं। इससे पहले उसने खत लिखकर पुलिस को बताया था कि लंबे समय से सरकारी योजना के तहत घर और टॉयलेट की मांग कर रहा था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुभाष बाथम हाल ही में हत्या के केस में जमानत पर छूटकर बाहर आया था। वहीं गुस्साई भीड़ ने आरोपी सुभाष बाथम की पत्नी को भी पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देने वाली यूपी पुलिस की टीम को 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। जब हम लोगों को ये लगा कि अब ये काफी एग्रेसिव होने जा रहा है, तो आईजी कानपुर रेंज और डीएम और एसएसपी के टीम ने, सभी ने डिसाइड किया कि वी शुड अटैक एंड वी शुड ट्राई टू डू इट। धमकी, जब बम चलाने की बात हुई तो पीछे के दरवाजे से पुलिस की टीम जो है, यूपी पुलिस की टीम ने उसको अंदर प्रवेश करना चाहा, उस पर फायर किया गया। इस सुभाष बाथम के द्वारा फायर किया गया और उस फायर के एक्सचेंज में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें ये सुभाष बाथम मारा गया और उसकी पत्नी को भी चोट लगी है, इंजर्ड हुई है, लेकिन सभी बच्चे सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इसके पीछे का गेट था, उसको तोड़ा, पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें अपराधी मारा गया है और जितने भी 23 बच्चे जिसमें बंधक बना रखे थे, सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए हैं, रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अब इन बच्चों को हम लोग इनके माता पिता को सपोर्ट करेंगे। आरोपी मारा गया सर? पुलिस ने मारा है इसको। भाई लगा लो मोबाइल, जिस समय पीछे करना, जिसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस के ऊपर बम चलाया, उसी समय जवाबी फायरिंग में ये व्यक्ति मारा गया। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम से पूछताछ के दौरान कई बड़ी बातें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि शर्जील ने पूछताछ के दौरान एएमयू में विवादास्पद भाषण देने की बात कबूल कर ली। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि विवादास्पद भाषण देने का वीडियो उसका ही है और वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि शर्जील का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो पूरा नहीं है, क्योंकि एएमयू में उसने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया था और उसी भाषण में उसने जोश में आकर असम को देश से अलग करने का विवादास्पद बयान दे दिया था। क्राइम ब्रांच का यह भी दावा है कि इस दौरान शर्जील ने बताया कि उसे अपने दिए भाषण पर कोई पछतावा नहीं है और आगे भी वो अपना विरोध जारी रखेगा, लेकिन जब उससे विवादास्पद भाषण देने की वजह पूछी गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि पूछताछ करने वाले अफसरों का कहना है कि शर्जील ने सोची समझी रणनीति के तहत भाषण दिया था। न्यूज 18 की टीम ने जब शर्जील इमाम से एएमयू में विवादास्पद भाषण देने की वजह पूछी तो उसने चुप्पी साध ली। शर्जील, कुछ बोलना चाहेंगे? आपने भड़काऊ भाषण दिए थे, कुछ बोलना चाहेंगे? जामिया यूनिवर्सिटी में कल एक लड़के की गोली चलाने के बाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के एसोसिएशन ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल दिल्ली के चुनावी रैली के समय इन तीनों नेताओं पर विवादास्पद बयान देकर जनता को उकसाने का आरोप लगा है। शिकायत दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर तंज कसा और लिखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने मेरे और अनुराग जी और प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मैं इस सम्मान को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे गर्व है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के पेट में मरोड़े उठ रही हैं और ये डर हमें अच्छा लगा। बजट सत्र में संसद के भीतर सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। संसद भवन में हुई सभी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को यह भरोसा दिया। बैठक में विपक्ष ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई।
और बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट के अलावा दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की। एनआरसी से लेके सीए लेके जिस तरीके की भ्रम फैला जा रहा है, भय भीत और डर की माहौल सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उस विषय पे हम चर्चा कर मांग करेंगे, कश्मीर को लेकर मांग करेंगे। सदन में तो हमारा बजट की बात जो चर्चा होगी, हमारे हिंदुस्तान की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गए हैं, जर्जर हो गए हैं, ये सारे विषय को लाएंगे हम। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर युवाओं और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। एक तरफ से अहंकार जो है सरकार का वो झलकता है, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि जनता मरे जिंदा रहे सड़कों पर रहे, किसानों की जो हालत है उसके बारे में कोई उनको फिक्र नहीं है। तो ये तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने कहा है। बजट सत्र के दौरान सभी दल संसद को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करें, इस मकसद से बैठक बुलाई गई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की राय सुनी और हर तरह की बहस के लिए सरकार के तैयार होने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है सिर्फ डिबेट नहीं है, समृद्ध डिबेट होना चाहिए। दिस इज द वर्ड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसलिए समृद्ध चर्चा के लिए, स्ट्रक्चर्ड चर्चा के लिए सरकार पूरे से पूरे तैयार है। यूपी के देवरिया